सुरभित सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव पर। लता मंगेशकर का निधन हम सबको याद रहेगा। 6 फरवरी का वो वक्त जो काला दिन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उस दिन लता मंगेशकर हमें छोड़कर चली गई। लेकिन लता मंगेशकर के निधन के बाद लता मंगेशकर के परिवार का बहुत बुरा हाल है। आशा भोसले बुरी तरीके से टूट गई हैं। आशा भोसले की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आपको बता दें कि ये बात पद्मिनी कोल्हापुरी बता रही हैं। आपको बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरी का रिश्ता लता मंगेशकर के साथ बहुत खास रहा है। लता मंगेशकर और पद्मिनी कोल्हापुरी के बीच पारिवारिक रिश्ता है। लता मंगेशकर और पद्मिनी कोल्हापुरी रिश्तेदार हैं और पोती लगती हैं पद्मिनी कोल्हापुरी। उन्होंने बताया है कि आखिर आशा भोसले की हालत आखिर कैसी है। कहती हैं कि मृत्यु जितना कठिन या सत्य या तथ्य है, हमें वास्तव में लगा कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला है और वो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। हम सभी हिल गए हैं। पद्मिनी ने बताया कि लता के जाने के बाद आशा बिखर गई हैं। उन्होंने कहा कि वो टूट गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे मिलने जाती थी तब वो रियलिटी शोज में चिपकी रहती थी। दुनिया में क्या चल रहा है उससे सबसे अलग है। जी हाँ, वो हमेशा हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहा करती थी। लेकिन अब जो है, लता मंगेशकर के निधन के बाद उनकी बहन टूट गई हैं, आशा भोसले टूट गई हैं। इस बात की जानकारी पद्मिनी कोल्हापुरी बता रही हैं कि उनका पूरा परिवार बिखर चुका है, बुरी तरह बिखर चुका है। क्योंकि एक छोटी सी उम्र, 13 साल की उम्र से परिवार को संभालना बहुत बड़ी बात होती है और परिवार को हमेशा ही लता मंगेशकर ने संभाला है। अब उस बड़ी बहन का साया जो है वो सर से उठ चुका है, इसीलिए आशा भोसले कहीं ना कहीं बुरी तरह से बिखर गई हैं। पूरा परिवार बिखर चुका है। आपको बता दे, जानकारी दे दे कि अब आशा भोसले की भी हालत खराब है। आशा भोसले भी बुरी तरीके से टूट चुकी हैं। तो क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।